हेलो एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है पल्लवी और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि हर नया अपडेट और हर नया वीडियो आप तक पहुंचे, वो भी बिल्कुल टाइम पे। आप मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा वो वीडियो और लोगों तक पहुंचेगा। साथ ही में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे डोनेट कर सकते हैं। डोनेट कहाँ पे करना है उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज के वीडियो में किस बारे में बात करने वाली हूँ मैं, आज मैं एक टेस्ट के बारे में बात करने वाली हूँ। तो उसका नाम है HSG टेस्ट। तो ये टेस्ट है क्या, ये क्यों किया जाता है और ये टेस्ट का प्रोसेस क्या है, टेस्ट को जाने से पहले कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है और टेस्ट के बाद हमें कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं, ये सारी बातें मैं आज आप सबसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले तो जानते हैं कि HSG टेस्ट क्या है और HSG का फुल फॉर्म क्या है। HSG का फुल फॉर्म है हिस्टेरोसेल्पिंगोग्राफी टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है वो किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कहीं आपके फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक तो नहीं है, कि इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें जो इनिशियल ट्रीटमेंट होती है वो हो जाती है लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, तो फिर ये टेस्ट किया जाता है। तो अब जानते हैं कि आपका जो फेलोपियन ट्यूब है वो कौन से सिचुएशन में ब्लॉक हो सकता है। सबसे पहला रीजन है अगर आपका पेल्विक इन्फेक्शन का हिस्ट्री है तो आपके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो सकते हैं। अगर आपको पहले कभी अपेंडिक्स जो है पेट में बर्स्ट हुआ है, मतलब पेट में फूटा है, तो आपके ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं। अगर आपको कभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हुआ है जैसे गेनोरिया होता है तो आपके ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको एंडोमेट्रोइसिस है तो भी आपके ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं। तो ब्लॉक है या नहीं ये चेक करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट कब किया जाता है, नॉर्मली डॉक्टर आपको ये टेस्ट करने के लिए आपके पीरियड जो है वो क्लियर हो जाते हैं जब पूरी तरह से, तब बुलाया जाता है आपको। जैसे कि साइकिल डे 8th है या साइकिल डे 9th है उस पे ये जो टेस्ट है वो किया जाता है, मतलब पीरियड होने के बाद और ओव्यूलेशन से पहले ये टेस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट जो डिसाइड होता है कि करना है तो उस टाइम पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं या टेस्ट को जाने से पहले हमें क्या चीज़ें ले जानी चाहिए साथ में, इसके बारे में अब मैं आपको बताती हूँ। ये टेस्ट जो होता है वो वैजाइना के थ्रू किया जाता है, तो ऑब्वियसली हमें पैड ले जाना ज़रूरी होता है। साथ ही में हमें जो है एक्स्ट्रा कपड़े का पेयर ले जाना ज़रूरी होता है, बिस्किट ले जाने हैं ग्लूकोज के, पानी का बॉटल ले जाना है। किस लिए ले जाना है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि जब ये टेस्ट होता है तो एज अ टेस्ट का साइड इफेक्ट आप बोलिए आपको चक्कर आ सकते हैं, आपको वोमिटिंग हो सकता है, आपको नौशा फील हो सकता है। साथ ही में आप पेन किलर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये जो टेस्ट है वो विदाउट एनेस्थीशिया किया जाता है, तो आप पेन किलर खा के जा सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको नहीं बोला है पेन किलर खाने के लिए तो मत खाइए, क्योंकि हॉस्पिटल में जाने के बाद आपके डॉक्टर आपको पेन किलर दे सकते हैं। तो अब बारी आती है कि एग्जैक्टली इसका प्रोसेस कैसे होता है, ये टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो जब आपका ये टेस्ट का डे डिसाइड होता है तो उस दिन आपको डॉक्टर बुलाते हैं सुबह, आपको कुछ खा के जाना होता है हॉस्पिटल, आपको 2 घंटे पहले खाना होता है टेस्ट के। तो आप 2 घंटे पहले कुछ खाते हैं टेस्ट के और फिर आप टेस्ट के लिए निकलते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं आप। वहाँ पे जाने के बाद पहले आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है, परमिशन का फॉर्म, वो आपको फॉर्म भरना होता है। उसके बाद वहाँ पे जो भी डॉक्टर है या नर्स है वो आपको एक एनल सपोजिटर देते हैं। एनल सपोजिटर एक टाइप का टैबलेट होता है जो कि हमें एनल के थ्रू पास करना होता है, ताकि जब हमारा टेस्ट हो तो हमें दर्द कम हो, पेन कम हो उस टेस्ट का। उसके बाद थोड़ी देर आपको लेटने के लिए बोला जाता है, आपके जो है ड्रेस चेंज किया जाता है, आपको जो गाउन पहनाया जाता है लेबर वाला। उसके बाद आपको पेन किलर का इंजेक्शन दिया जाता है आपकी कमर पे, ताकि आपको पेन जो है उस टेस्ट का ज़्यादा फील ना हो, क्योंकि इस टेस्ट में पेन होता है और विदाउट एनेस्थीशिया ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, तो आप पेन सह नहीं सकते हैं कभी कभी, इसलिए पेन किलर का इंजेक्शन ऑलरेडी दिया जाता है। फिर थोड़ी देर आपको लेटने के लिए बोला जाता है इंजेक्शन के बाद।
उसके बाद जो है आपको टेस्ट के रूम में बुलाया जाता है। वहां पे दो नर्सेस होती है, एक टेक्नीशियन होते हैं एक्सरे के और एक डॉक्टर होते हैं। तो टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, यहाँ पे जब आप टेस्ट रूम में जाते हैं तो वहां पे एक टेबल होता है, जैसे कि नॉर्मली लेबर रूम में टेबल होता है, डिलीवरी वाला जो टेबल होता है वैसा ही टेबल होता है। उस टेबल पे आपको लेटना होता है, जैसे हम डिलीवरी के टाइम पे बटरफ्लाई पोजिशन में लेटते हैं वैसे ही हमें लेटना होता है वहां पे। उसके बाद आपके जो डॉक्टर होते हैं वो आपके वैजाना का आसपास का जो एरिया है उसे क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद आपके डॉक्टर जैसे जैसे प्रोसेस करते हैं वैसे वो आपको बताते जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। क्लीनिंग के बाद आपके वैजाना में एक क्लिप फिक्स किया जाता है, टेम्पररी क्लिप, जो कि कैथेटर को होल्ड कर सके। कैथेटर एक पाइप होता है छोटा, उस क्लिप में उसे फिक्स किया जाता है उस पाइप को, और उस पाइप का जो बाहर वाला एंड होता है उसमें एक और छोटा पाइप लगाया जाता है जिससे डाई पास किया जाना है आपके वजाना के थ्रू आपके यूट्रस में। तो डॉक्टर जैसे ये प्रोसेस कर रहे होते हैं वो आपको बताते रहते हैं कि अब हम क्लिप फिक्स कर रहे हैं, अब हम कैथेटर लगा रहे हैं। तो जब ये पाइप फिक्स किया जाता है उसके बाद वहां से डाई जो भी पास करने वाले होते हैं उससे पहले आपको बताया जाता है कि अब हम डाई पास करने वाले हैं, और कितना डाई पास करना है उस पाइप से वो भी डिसाइडेड होता है, वो अमाउंट कितना ml का डाई पास करना है। तो डॉक्टर आपको बताते हैं कि अभी डाई पास हो रहा है। तो जब वो डाई पास किया जाता है तो कोई आउटसाइड से कोई चीज फोर्सफुली अपने यूट्रस में पास की जा रही है तो हमें पेन होता है वहां पे, और पेन काफी जोर से होता है। लेकिन हमने अगर ऑलरेडी पेन किलर इंजेक्शन हमें दिया गया है तो हम उस पेन को सह जाते हैं, इतनी तकलीफ नहीं होती है, फिर भी पेन हमें होता है और हमें पता चलता है कि जो डाई है वो पास हो गया है यूट्रस में। जैसे ही डाई यूट्रस में पास हो जाता है उसके 5 सेकेंड्स में आपका एक्सरे लिया जाता है आपके पेट का। एक्सरे का जो मशीन होता है वो आपके पेट के ऊपर लाया जाता है और वहां से आपका एक्सरे लिया जाता है। तो बेसिकली HSG जो टेस्ट है वो एक एक्सरे टेस्ट है जिसमें वो पता करता है कि आपके फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है या नहीं है। तो जो डाई पास किया हुआ है वो डाई अगर बाहर आ जाता है आपके ट्यूब से पास होके तो आपके ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक्ड नहीं है। लेकिन अगर पास किया हुआ डाई आपके ट्यूब से पास होके बाहर नहीं आता है तो आपके ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक्ड है। तो उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट अलग से की जाती है, ब्लॉक्ड फिलोपियन ट्यूब्स की सर्जरी से उसे अनब्लॉक किया जा सकता है। तो आपको आसानी से समझ में आए इसलिए मैं इसमें एक पिक्चर के थ्रू आपको ये बात समझा रही हूँ। तो जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं वेजाना के अंदर जहाँ पे क्लिप एक फिक्स किया गया है उससे एक कैथेटर बाहर है और कैथेटर को एक पाइप अटैच है जहां से आपके यूट्रस में डाई पास किया जाता है। तो अब मैं आपको मेरा जो टेस्ट हुआ था HSG का उसका क्या रिजल्ट था वो मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको समझने में और आसानी होगी। तो ये मेरा जो टेस्ट हुआ था HSG टेस्ट उसका ये एक्सरे है। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं ये जो है ये यूट्रस है, यहाँ पे जैसे ट्रायंगल शेप में आपको दिख रहा है वो सही है, ठीक ठाक था मेरा। और ये कैथेटर है, ये जो है पार्ट कैथेटर का पार्ट है और यहाँ पीछे एक जो छोटा पाइप है। तो यहाँ से डाई जो है वो पास किया गया है यहाँ पे यूट्रस में, तो ये यहाँ से आके यहाँ पे जो ट्यूब्स होती है उससे होके ये बाहर आया है। यहाँ पे डाई आप देख पा रहे हैं ये दोनों साइड का, यहाँ पे एक ट्यूब होता है इस साइड पे और इस साइड पे, और वो ट्यूब से बह के डाई जो है वो बाहर आया है। मतलब मेरे जो ट्यूब्स है वो नॉर्मल है, ब्लॉक्ड नहीं है और ठीक ठाक है। मेरा रिपोर्ट जो है HSG का वो नॉर्मल आया था, मेरे दोनों भी ट्यूब जो थे वो ठीक थे। तो अब जानते हैं कि ये टेस्ट होने के बाद हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो जब ये टेस्ट होता है आपका तो उस दिन आपको ब्लीडिंग हो सकता है और साथ ही में जो डाई आपके यूट्रस में पास किया गया है वो थोड़ा थोड़ा करके बाहर आता है, जिसके चलते आपको पैड लगाना जरूरी है, सैनिटरी पैड। आपका पेट दुख सकता है 1 से 2 दिन तक, तो वो दुखता ही रहता है। आपका जब टेस्ट होता है तो आपको जो है टैबलेट दी जाती है उसको दर्द को कम करने के लिए भी, और अगर आपको नौशा हो रहा है तो उसको कम करने के लिए भी। उसके बाद आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप वजन ना उठाए और ज्यादा काम ना करें, 2 दिन आराम करें, क्योंकि जो ट्रॉमेटाइज हुआ है वहां पे जो भी बॉडी पार्ट है उसको नॉर्मल आने पे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको उसके 1 दिन पूरा आराम करना है, कोई वजन नहीं उठाना है,
और साथ ही में आपको जो है पैड कंटिन्यू लगाए रखना है, क्योंकि आपको एक से दो दिन तक ब्लीडिंग हो सकता है। अब सबसे जरूरी बात, जब ये टेस्ट हम करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा खतरा जो होता है वो वेजिनल इन्फेक्शन का होता है, जो कि हर किसी को नहीं होता है बट फिर भी खतरा होता है। और मुझे हो गया था इस टेस्ट के बाद वेजिनल इन्फेक्शन, जो कि बहुत परेशान करता है। लेकिन मैंने तुरंत, जैसे ही इन्फेक्शन हुआ था मुझे, मैंने तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाया था, उन्होंने मुझे मेडिसिन दी थी और वो ठीक भी हो जाता है। बहुत ज्यादा सीरियस इन्फेक्शन नहीं होता है, लेकिन उसको ट्रीट करना भी बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज वो सीरियस हो जाता है। इसलिए अगर आपको डॉक्टर ने ये टेस्ट बोला है तो आप बिल्कुल जाए ये टेस्ट करवाए, इससे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपकी इनफर्टिलिटी का रीजन कहीं आपके ब्लॉक्ड ट्यूब्स तो नहीं है, और अगर है तो आपको समय रहते आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। और अगर टेस्ट के बाद आपको इन्फेक्शन होता है तो बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल जाए डॉक्टर को दिखाए और मेडिसिन ले ले, क्योंकि ये ठीक हो सकता है, उसको देर करेंगे तो वो ज़्यादा परेशानी करेगा आपको। अगर आपको डॉक्टर ने HSG टेस्ट बोला है तो आप बिल्कुल करिए। मुझे पेन हुआ था बहुत सारा, लेकिन वो एक ही दिन मेरा पेन चला था और मुझे दो दिन ब्लीडिंग हुआ था, उसके बाद ब्लीडिंग अपने आप रुक गया था, और ब्लीडिंग जब रुक गया था उसके बाद मुझे इन्फेक्शन हुआ था और मेडिसिन से वो ठीक भी हो गया था। तो मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो को छोटा रख सकूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है अगर मैं टेस्ट के हर एक डिटेल्स बताऊंगी तो। होपफुली आपको अगर टेस्ट बोला है तो आपको पता चल जाएगा, बट जाने से पहले मैंने जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं पैड को लेके, कपड़े को लेके, वो सारे याद रखे और पूरी प्रिपरेशन के साथ ही टेस्ट के लिए जाए। साथ ही में आपको अकेले नहीं जाना है टेस्ट के लिए, घर में से किसी फैमिली मेंबर को ले जाए या आपके हस्बैंड को ले जाए साथ में, अकेले बिल्कुल भी मत जाए। तो ये तो हो गया HSG टेस्ट के बारे में। अगर आपका टेस्ट हुआ है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, आपको कितना दर्द हुआ था या आपने क्या प्रिकॉशन लिए थे, मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं आपका एक्सपीरियंस, कहाँ पे शेयर करना है आपको पता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।